rhyme scheme is a pattern of rhyme in a certain way. It can last for 4 bars, 2 bars, 8 bars or even 16 bars. आप कई गाने सुनेंगे हिप हॉप में जिसमें लंबे राइम स्कीम्स होते हैं और कई होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं. तो ये जो राइम स्कीम्स होते हैं ये एक रिदमिक पैटर्न सेट करते हैं रैप में. And these rhythmic patterns make your song more memorable. अगर एक rhyme scheme होगा वो simple भी हो सकता है, बहुत simple हो सकता है, या फिर एक rhyme scheme हो सकता है जो complicated होता है और उसमें बहुत internal rhymes होते हैं. There is no one way of doing a rhyme scheme. You have to experiment with different kinds of rhyme schemes to see what fits your beat and what sounds the best. So it is very important to practice different kinds of rhyme schemes. And when I say rhyme schemes, again, combination of words and rhymes. Different combinations of words and rhymes are rhyme schemes. A perfect rhyme is a rhyme where the last words of each sentence are rhyming perfectly, which means aap jaise bachpan mein seekhte hain rhyming words, cat, bat, hat, ऐसे जो words होते हैं वो they are known as perfect rhymes because there are no sort of multi-syllables in that. They are only one syllable and they are rhyming perfectly in a pattern. So when you say a perfect rhyme, that means I had a cat, I played with a bat, I wore a hat. That's a simple, direct rhyme scheme. Usually जब हम start करते हैं लिखना, हम स्टार्ट करते हैं परफेक्ट राइम से बिकॉज दैट इज द ईजिएस्ट टू स्टार्ट विद. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस इफ़ यू आर वेरी न्यू टू राइटिंग और यू आर न्यू टू राइटिंग रैप, यू प्रैक्टिस विद परफेक्ट राइम्स. सिंपल एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट राइम्स इन माई कैटलॉग वुड बी टू अ सर्टन एक्सटेंट देख कौन आया वापस, वेयर इट इज़ नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड. समटाइम्स टू वर्ड्स इन द एंड आर राइमिंग बट मोस्टली वन वर्ड इज राइमिंग इन द एंड. एंड अगर आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, मेरा जो लिविंग लेजेंड गाना है उसमें जो अगर आप हुक सुनेंगे सो आप देखेंगे तो हुक में राइम पैटर्न इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते. एंड लिविंग लेजेंड में जो उसका हुक है दैट गोज लाइक किस्मत ने रोका पर लड़के हम आए, जो बोले नामुमकिन हम करके दिखाए, करेंगे ये याद अगर यहाँ से हम जाए, इस खेल में हम लेजेंड एंड लेजेंड्स नेवर डाई. जो अभी मैंने रैप किया लिविंग लेजेंड का जो हुक के चार लाइंस किए, आप इसमें देख सकते हैं आए जाए डाई, ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत सिंपल राइम्स हैं. देर इज नो कॉम्प्लिकेशंस, देर आर नो मल्टी सिलेबल्स इन दिस. सो दिस इज हाउ इट्स अ सिंपल परफेक्ट राइम. व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू राइट यू शुड राइट डाउन सेंटेंसेस दैट एंड विद दीज परफेक्ट राइम्स बट इट शुड स्टिल फॉलो अ पैटर्न. तो आप जो बोलना चाह रहे हैं वो स्टार्ट होना चाहिए इस लाइन पे एंड एंड होना चाहिए इस लाइन पे, बट जो आपके एंड वर्ड्स हैं वो राइम करेंगे. सो दैट इज़ हाउ यू फॉर्म अ सिंपल पैटर्न. तो आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स ऐसे ही डाल दें उसमें. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू से समथिंग एंड द वे यू से इट इज विद राइम्स. सो रिमेंबर दैट व्हेन यू राइट योर फर्स्ट रैप it has to make sense but at the same time it has to rhyme. In rhyme schemes there is a pattern that is to be followed. Suppose there is a pattern of a a a a, that means a rhymes with a rhymes with a rhymes with a, that we had covered as perfect rhymes earlier. मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको ये ए ए ए ए वाला जो राइम पैटर्न है इसके बारे में. इधर मैंने बोला है मेरे पास ना कोई टाइम, आई एम ऑलवेज ऑन द ग्राइंड, स्किल्स हार्डर टू फाइंड, दे कॉल मी डॉलर साइन. तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ चारों जो लाइंस हैं इसमें जो एंड वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से राइम हो रही हैं. सो दैट विल एक्सप्लेन हाउ ये एक ए ए ए ए पैटर्न है. तो आप राइम कर रहे हैं टाइम, ग्राइंड, फाइंड एंड साइन. सो दैट इज ए ए ए ए. इसी तरह मैं आपको बताता हूँ ए ए बी बी राइम पैटर्न के बारे में. तो यहाँ अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेरे पास ना कोई टाइम, आई एम ऑलवेज ऑन द ग्राइंड, तुम देख लो मेरी वॉच पे, मैंने गेम रखी लॉक पे. सो इधर हम क्या कर रहे हैं, टाइम और ग्राइंड पहले दो लाइंस में राइम कर रहे हैं एंड सेकेंड दो लाइन्स में हम कर रहे हैं राइम वॉच पे एंड लॉक पे. सो यहाँ आप देख सकते हैं एक ए ए बी बी पैटर्न है. This is an A A B B pattern.
ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, दिस इज़ ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक राइम पैटर्न क्या होता है. राइम पैटर्न्स आर नॉट लिमिटेड. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेटर राइम कर सकते हैं, और आप अपने आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन राइम पैटर्न्स के साथ, या फिर नए और मोर कॉम्प्लिकेटेड राइम पैटर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो गोइंग बैक टू एन अर्लियर लेसन वेयर वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग हैबिट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप राइटिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके राइम पैटर्न्स भी बेटर होते रहेंगे. तो मैंने आपको अभी चार एग्जाम्पल्स दिए राइम पैटर्न्स के. अब आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि आप यही राइम पैटर्न्स को यूज़ करके अपने आप राइम्स बनाइए. एंड प्लीज़ मेक योर ओन राइम्स, नॉट माइन. यूज़ दीज पैटर्न्स एंड मेक योर ओन रैप लाइन्स, फोर लाइन्स ईच फॉर फोर पैटर्न्स.